हम कर रहे हैं मास्टर कैंप 2018 और हमारे पीडीएफ फाइल के अंदर 19 नंबर पेज पे ड्राइंग है जिसको आज हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो पहले देखेंगे, थोड़ी सी टिपिकल ड्राइंग है तो इसलिए ध्यान से इसको देखना है। सबसे पहले हम ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे को एक रेडियस दे रखा है 3 का, 3 का रेडियस दे रखा है और इनके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 11.4। ओके करेंगे तो दूसरे कॉर्नर पे जो सर्कल है वो भी है 3 का। ठीक है, हमारे को ड्राइंग में नीचे दे रखा है कि जो भी रेडियस नहीं गिवन है वो सब 3 के, तो हमने इन दोनों एंड पॉइंटों को मिला दिया तो हमारी ये लाइन लग गई। अब हमारे को दे रखा है एक 60 डिग्री पे लाइन है जो इस सर्कल के टेंजेंट है और इसकी जो लेंथ है वो हमारे को दे रखी है 9 एमएम की और 60 डिग्री दे रखा है, तो दैट मीन्स ये हो गया 300 डिग्री पे, 270 प्लस 30, तो 300 डिग्री पे हमने ये लाइन लगाया। अब इस लाइन को अगर मैं 9 ऑफसेट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको 9 ऑफसेट कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे 9 का सर्कल लग जाएगा बड़े आराम से। इस लाइन का काम खत्म हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ से हमारे को एक लाइन दे रखी है 65.4, तो 65.4 की लाइन लगा देंगे। और इस लाइन को ऑफसेट कर देंगे 3। अब ये 3 मैंने ऑफसेट क्यों किया, ताकि मेरे को सेंटर पॉइंट मिल जाए इस 3 वाले सर्कल का। yes, और एक लाइन लगाएंगे टेंजेंट पे, ध्यान रखना टेंजेंट सही सिलेक्ट करना है, तो एक लाइन लगाएंगे इस सर्कल के टेंजेंट से जिसकी लेंथ हमें नहीं पता तो हम थोड़ी सी ज़्यादा दे देते हैं, बट हमारे को एंगल पता है ये 30 डिग्री है, यानी कि 270 माइनस 30 डिग्री पे है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, इसलिए ये 240 डिग्री का बन गया। इतना काम होने के बाद अब हम इधर आ जाएंगे और यहाँ से एक टेंजेंट लाइन लगाएंगे और ये भी 300 डिग्री पे होगी, पर इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 67.9। तो इसकी लेंथ 67.9 से 67.9 दे देंगे, ठीक है, तो ओके कर देंगे और इसको ऑफसेट कर देंगे 3। और यहां से बना देंगे एक सर्कल 3 का और एक लाइन लगा देंगे इसके टेंजेंट से साठ डिग्री पे। yes, तो पहले लेंथ दे देते हैं थोड़ी सी और 180 प्लस 60, तो ये लाइन लग गई। ओके, अब हमारे को दे रखा है कि यहाँ से 30 का ऑफसेट है। yes. तो 30 का ऑफसेट कर देंगे यहाँ से इधर। yes. ठीक हो गया। yes, sir.
इतना करने के बाद हमारे को दे रखा है 120 का, तो हम यहाँ से इस लाइन को मिटा के 120 की लाइन लगा देते हैं। वैल्यू तो भरी नहीं, दोबारा भर देते हैं। ओके लेंथ भर देते हैं 120 की ओके और यहाँ से आ जाते हैं नीचे और फिलेट लगा देते हैं हम। हमारे को दे रखा है 15, तो 15 की फिलेट लगा दो। फिलेट एक 10 की भी दे रखी है, तो 10 की भी फिलेट लगा दो। और एक 5 की फिलेट दे रखी है, तो फिलेट लेके एक 5 की फिलेट लगा दो। तो फालतू की लाइनों को डिलीट कर दो। जो चीज नहीं चाहिए उसको ट्रिम कर दो। थोड़ा जूम करके ट्रिम करना चाहिए ताकि सर कुछ भी गलत ना हो। ओके तैयार हो गई है, पर एक चीज इसमें रह गई कि हमारे को यहाँ से एक लाइन लगानी है 15। लेंथ पे और ट्रांसफॉर्म में जाके मूव टू ओरिजिन ये कर देना। तो ये मेरी जो ड्राइंग है अब बिल्कुल सही बन चुकी है। राइट क्लिक करके कलर चेंज कर देंगे। ओके और फिर राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक व्यू कर लेंगे। ये लाइन का काम खत्म हो गया है, 15 वाली का, ये नहीं हमें चाहिए, तो इसको डिलीट कर दो। ठीक है, एक हम रेक्टेंगल बना लेते हैं, सिर्फ ऐसे ही बना रहा हूँ ताकि मैं इसको एज ए स्टॉक यूज कर सकूँ। ठीक है, सपोज करो ये मेरा रॉ मटेरियल है जिसमें मुझे ये एरिया काटना है, तो हम मशीनिंग में जाएंगे, सबसे पहले मिलिंग मशीन लेंगे। और मिलिंग मशीन लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे मिलिंग मशीन आ जाएगी। हमने पहले देखा था कंटूर मिलिंग को, वैसा ही एक टूल पाथ है एरिया मिलिंग। तो यहाँ पे मशीन रीजन लिखा हुआ है, अभी कौन से एरिया को काटना है। तो हमने कहा जी ये एरिया को काटना है, प्रीव्यू करके देख सकते हैं वो क्या चीज काटेगा। अगर प्रीव्यू ठीक आ रहा हो तो ओके कर दो और उसके बाद दे दो टूल। किस टूल से आपको कटिंग करनी है, तो लाइब्रेरी में जाएंगे तो यहाँ पे फ्लैट एंड मिल आ रहा है 10 mm का, तो हम यही ले लेते हैं। कटिंग पैरामीटर से पहले हम लिंकिंग पैरामीटर में जाएंगे और उसको बताएंगे कि कितनी डेप्थ तक मुझे जाना है। तो मैंने कहा जी मुझे -10 तक जाना है और हर बार सिर्फ ट्रेनिंग के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू भर रहा हूँ 2 mm की। ठीक है, इतनी वैल्यू भरनी है, उतनी वैल्यू भर सकते हैं, सिर्फ सीखने के पर्पज से हम यहाँ पे 2 mm भर रहे हैं ताकि जल्दी से प्रोग्राम बन जाए। ठीक है, उसके बाद कटिंग पैरामीटर में अभी मैं इसको पहले ओके करता हूँ, फिर दिखाता हूँ क्या क्या चेंजेस हैं इसके अंदर। ओके करते हैं, तो ये जो हरी सी बाल्टी आ रही है इसका मतलब है वेट का।
यस और हमारे को यहाँ प्रॉपर्टी में जाके एक स्टॉक जरूर देना होता है हमेशा। तो सिलेक्ट ओके यस कॉर्नर करूँगा, एक कॉर्नर ये सर और एक कॉर्नर ये, और वैल्यू दे यस दूंगा मैं 30। ये हमेशा ओके बस पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसको ओके करेंगे तो ये मेरा स्टॉक क्रिएट हो गया। जब भी स्टॉक यस क्रिएट सर होगा तो ये थोड़ा सा टाइम लगाता है, अब तो चल गया। और उसके बाद हम अच्छा इसको राइट क्लिक करके टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई होने लग जाएगा ओके सर ऑटोमेटिकली। लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहीं पे 2D में चला के दिखाएगा, राइट क्लिक करेंगे तो यस एक नया सॉफ्टवेयर खुल जाता है जिसके अंदर हम मशीनिंग कर सकते हैं। ओके ठीक है, और ओके इसको कर देंगे हम प्ले तो ये हमारे को काट के दिखाएगा। यस सर ठीक है, अभी क्योंकि 10 mm का टूल है तो यस सर ये जो सर्कल था ये हमारा 3 mm का रेडियस था यहाँ पे, तो यस सर 10 डाई का टूल मतलब 5 रेडियस का हो गया, तो इसलिए वो यहाँ पे हाँ सर जा नहीं पाया। और ध्यान से देखें हाँ तो सर थोड़ा थोड़ा मटेरियल भी छूटा हुआ है। वो क्यों हाँ छूटा सर हुआ बच रहा है, उसका कारण क्या है कि उसका कारण ये है कि यहाँ पैरामीटर पे क्लिक करूँगा मैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कटिंग पैरामीटर में तो वैल्यू भर रखी है, 1 mm फ्लोर में छोड़ देगा और 1 mm वॉल्स में छोड़ देगा। अगर मैं इसको जीरो कर देता हूँ यस तो वो किसी भी वॉल में मटेरियल जो है नहीं छोड़ेगा। सर इसके ऊपर राइट क्लिक जी करो, वेरीफाई करो, हर बार रीजनरेट जरूर करना पड़ता है। स्पीड थोड़ी सी हाँ सर फास्ट कर दो क्योंकि तो हमारे को सिर्फ आउटपुट ओके देखनी है, और प्ले कर दो। यस ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई यस मटेरियल सर नहीं छूटा हुआ। अगर हम हाँ सर एरिया मिल की बात करें और इसके पैरामीटर को चेक करें कि इसमें क्या क्या पैरामीटर हैं, तो ये है कॉर्नर के हाँ सर ऊपर रेडियस चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे 3 3 mm की रेडियस फिलेट लगा रखी है तो इसको लगाने की कोई हाँ सर ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको कॉर्नर रेडियस ऑन करके मैक्सिमम रेडियस 3 भर देते हैं तो ये अपने आप सारे कॉर्नरों पे जो है रेडियस लगा रहे हैं। हाँ सर ठीक तीन है, एम एम का सर हाँ, बट अभी हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने रेडियस ऑलरेडी लगा रखा है। हाँ सर ठीक हो गया। यहाँ पे एक और भी ऑप्शन होती हाँ है, ट्रिकोइडल मोशन कहते हैं इसको। जब पीस मेरा बहुत हार्ड होता है सर तब ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं। अभी देखो जो मेरा टूल पाथ है, अगर मैं इसको ध्यान से दिखाऊं, इसको राइट क्लिक करके, तो हाँ सर ये अभी ये ऑफ हो रखी है, तो जो मेरा टूल पाथ है वो स्ट्रेट चल रहा है। ध्यान से देखो, इसको टॉप व्यू करते ओके हैं और फिर से रीजनरेट करते हैं। रीजनरेट कर दो, ओके कटिंग पैरामीटर में जाएंगे, इसको कॉर्नर राउंडिंग बंद करनी पड़ेगी। और रिकॉर्डर मोशन मेरा ऑफ है, इसको ओके करते हैं यस और रीजनरेट दबाते हैं। तो ये देखो ये भी टूल पाथ जो है स्ट्रेट स्ट्रेट जा रहा है। यस सर अगर मैं पैरामीटर में जाके इसको गोल कर दूं और यहाँ पे हाँ स्टेप सर ओवर दे दूं, मैक्सिमम स्टेप ओवर कितना और इनिशियल लूप का रेडियस कितना और रीड, ये सब वैल्यू अगर मैं दे दूं यहाँ पे, मान लो मैं दे देता हूँ इसको दे देता हूँ 10%। ये होता है टूल के डाई का, डाई के ऊपर डिपेंड है हाँ सर कि कितना हमारे को देना है। तो हाँ इसको कर देते हैं 20%। ये कहता है 0 नहीं हो सकता, सर ठीक है, मैक्सिमम मैंने कहा 25%। तो हाँ सर स्पीड एडजस्टमेंट मैंने कहा 10%, जब गोल जगह होगी तो यस सर स्पीड कितनी कम ज़्यादा करनी है वो उस पर डिपेंड करता है। स्टेप
स्टेप ओवर 10% क्योंकि हार्ड मटेरियल है इसलिए कम ही रखते होते हैं वैल्यू, ठीक है। ओके करेंगे तो इससे मशीनिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा पर कटिंग जो है बढ़िया तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से गोल गोल घूम के एंट्री लेगा, ठीक है। तो कभी ज़्यादातर तो हम इसको ऑफ ही रखते हैं। अगर हमारा ये थ्रू ऑल होल है तो हम ये वाली ऑप्शन ऑन करेंगे। अभी मेरा थ्रू ऑल नहीं है, मेरी 30 mm की प्लेट है जिसमें हम 10 mm कटिंग कर रहे हैं, लिंकिंग पैरामीटर में हमने 10 mm भरा था, तो इसलिए हमारे को ये ब्रेक लिंक की जरूरत है। ओके करेंगे, फिर से रीजनरेट दबाएंगे और इसके ऊपर राइट क्लिक करके वेरीफाई कर। अगर आपको ये टूल नहीं देखना होल्डर तो यहाँ से हम बंद कर सकते हैं, जो जो चीज़ आपको नहीं देखनी वो चीज़ आप बंद कर सकते हैं। राइट क्लिक करो, आइसोमेट्रिक व्यू कर दो, तो ये देखो ये टूल आ रहा है, टूल को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं और अगर हाइड करना है तो हाइड भी कर सकते, टूल पाथ देखना है तो उसको भी ऑन कर दो। तो जैसे जैसे यहाँ पे चलेगा वैसे वैसे टूल पाथ भी हमारे को साथ साथ दिखाएगा। ठीक है, एरिया मिल के लिए क्लोज बाउंड्री होना जरूरी है। अगर कहीं से ओपन होगी तो हाँ ओपन होगी तो उसकी सेटिंग बदल जाएंगे कुछ, तो इसलिए वो ओपन एरिया को हम अलग से बाद में देखेंगे। पहला मुद्दा ये है कि हमारा क्लोज बाउंड्री होगी तो कैसे टूल चलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ स्ट्रोक तो स्ट्रोक भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और हाइड करना टोटल टाइम देखना है कि इस प्रोग्राम को मशीनिंग में कितना टाइम लगा, तो वो यहाँ पे आ रहा है टोटल टाइम। सर ये मशीन में चला है तो इतना ही टाइम आता है सर? हाँ थोड़ा बहुत 5-10% का आगे पीछे हो सकता है बट अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा। यस सर। अब ये जो मॉडल मेरा कट चुका है इसको अगर मुझे सेव करना है तो यहाँ पे होता है सेव स्टॉक एज एसटीएल फाइल, तो ये एसटीएल फाइल में बन जाएगा और इसको हम कहीं पे भी सही जगह पे डॉक्यूमेंट में जाके मैं इसको सेव कर देता हूँ। इससे फायदा ये होगा कि इसको मैं एज ए स्टॉक भी यूज कर सकता हूँ किसी और टूल के लिए और ऑपरेशन के लिए, और इसको मैं सॉलिडवर्क्स में खोल के भी देख सकता हूँ कि मेरा ये कैसी कटिंग हुई है, ठीक है। तो यदि सॉलिडवर्क्स में भी काम आएगा और अगर मुझे कोई और ऑपरेशन करना है तो उसका जो हम स्टॉक लेते हैं, जो हम रॉ मटेरियल लेते हैं भाई टूल कहाँ पे चले और कहाँ पे ना चले, उसमें भी हमारे को काम आएगा, यानी कि दोनों पोजीशन में मेरे को काम आएगा, ठीक है। तो ये हमारा था एरिया मिल का ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर आपको ड्राइंग चाहिए तो ये कैम सॉल्यूशन लुधियाना की हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे डाउनलोड में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक का बटन दबाना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और सारे फ्रेंड्स को शेयर भी करनी है, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो कमेंट में लिखना है और मेरे को कॉल भी कर सकते हैं।